हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा ये वीडियो नीट पीजी काउंसलिंग 2021-22 अपडेट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम दो अपडेट्स डिस्कस करेंगे। पहली तो कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी यूआर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और दूसरा ये जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी, इम्प्लीमेंटेशन हुई ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन पॉलिसी पे, और क्या बड़े चेंजेस अब इस काउंसलिंग में देखने को मिलेंगे और क्या इम्पैक्ट होगी काउंसलिंग की। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है नीट पीजी काउंसलिंग 2021-22 सेशन में। 50% ऑल इंडिया कोटा में ब्रांच वाइज अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप टू ऑल इंडिया रैंक 4900 जाने की चांसेस हैं। ओबीसी में 6100, ईडब्ल्यूएस में 6500 और ऑल इंडिया रैंक। जनरल सर्जरी 11100 नीट ऑल इंडिया रैंक अप टू एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओबीसी 11900 एंड ईडब्ल्यूएस 12600। रेडियो डायग्नोसिस 3000, ओबीसी 3600 एंड ईडब्ल्यूएस 3900। डर्मेटोलॉजी 3500 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी 4100, ईडब्ल्यूएस 4400। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी 9700 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ओबीसी में 11000 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 11200। पीडियाट्रिक्स 5800 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी कैटेगरी में 6500 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7000। ऑर्थोपेडिक्स 6000 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ओबीसी 7000 एंड ईडब्ल्यूएस 7500। टीबी एंड चेस्ट 7600, ओबीसी 8400, ईडब्ल्यूएस 9000। ऑप्थल्मोलॉजी 13100, ओबीसी 13600 एंड ई डब्ल्यू एस 14600। एनेस्थेसियोलॉजी 20100 अनरिजर्व्ड, ओबीसी 22000, ई डब्ल्यू एस 23500 एंड ई एन टी 16500 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी 17500 एंड ई डब्ल्यू एस 18500। नीट ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा 50% में जाने की चांसेस हैं। पैथोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी 31500 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी 35000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस 36000 ऑल इंडिया रैंक। साइकियाट्री 14500 ऑल इंडिया रैंक, 15000 ओबीसी ऑल इंडिया रैंक एंड ईडब्ल्यूएस 16000 ऑल इंडिया रैंक। इमरजेंसी मेडिसिन अनरिजर्व कैटेगरी 7600, ओबीसी 8900 एंड EWS 9500। तो ये थी ब्रांच वाइज अनरिजर्व ओबीसी एंड EWS कैटेगरी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट पीजी ऑल इंडिया कोटा 50% काउंसलिंग 2021-22 सेशन में जा सकती है। अब हम देखते हैं कि आज क्या क्या अपडेट्स हुई, क्या वर्डिक्ट रही और क्या बिग चेंजेस आने वाली हैं काउंसलिंग में। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट मॉर्निंग में ही आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी एंड 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है और सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कोटा की 8 लाख की क्राइटेरिया को रिटेन किया है। जो 8 लाख की उनकी क्राइटेरिया थी कि अगर आपकी
फैमिली या आपकी इनकम, एनुअल इनकम, सालाना इनकम अगर 8 लाख के ब्रैकेट में आती है तो आप EWS कोटा में इंक्लूड होते हैं। अगर आपकी 8 लाख से ऊपर रहती है सालाना इनकम आपकी या आपके पूरे फैमिली की, तो आप 8 लाख के EWS कोटा में इंक्लूड नहीं होते हैं। और ये रिजर्वेशन पॉलिसी PG एज वेल एज UG दोनों की काउंसलिंग में इंप्लीमेंट होगी। पहले सिर्फ स्टेट लेवल काउंसलिंग में EWS एंड OBC कैटेगरी को रिजर्वेशन रहती थी, MCC की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में नहीं थी। इस बार से MCC की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में भी रहेगी। और एक और बड़ी चेंज इस काउंसलिंग में ये रहेगी कि DNB की काउंसलिंग पहले सेपरेट होती थी, इस साल से वो क्लब हो गई है, साथ में होगी। यानी MCC, ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, तीनों की काउंसलिंग एक साथ करवाई जाएगी इस बार। और रही बात सीट्स की, लॉस की, तो जहाँ तक कि अभी तक न्यूज़ आ रही है कि हर स्टेट में सीट्स इंक्रीज़ की जा रही है, हो सकता है सीट मैट्रिक्स में भी सीट इंक्रीज़ हो के आए। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट लॉस हो गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। हाँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को थोड़ी बहुत तो लॉस हुई है, इसमें नो डाउट, लेकिन कंप्लीट लॉस नहीं हो सकती है और होने की चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि हर स्टेट से यही न्यूज़ आ रही है कि हर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीट इंक्रीज होने की पूरी पूरी चांसेस हैं। और सीट मैट्रिक्स भी जो आएगी वो उसमें भी सीट्स इंक्रीज हो के ही आएगी। तो अभी तक की यही हाइलाइट्स है आज की कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पॉलिसी 27% OBC एंड 10% EWS को इम्प्लीमेंट कर दिया है, और 8 लाख की क्राइटेरिया, 8 लाख की जो ब्रैकेट थी वो रिटेन की है EWS कोटा के लिए। साथ ही साथ DNB काउंसलिंग भी क्लब होके आ रही है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इस बार काउंसलिंग में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। और बेसिकली सेकेंड राउंड के बाद ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की इस बार 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हो रही है, 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। राउंड 1, राउंड 2, राउंड मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, या राउंड 3 एंड मॉपअप राउंड, जो आप बोलिए। और जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं वो पहले जो बच जाती थी सेकेंड राउंड के बाद और रिवर्ट बैक हो जाती थी स्टेट्स को, वो नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें अगर आपकी थोड़ी सी भी चांस बनती है आपकी डिज़ायर्ड ब्रांच के लिए। तो काउंसलिंग अटेंड करें पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काउंसलिंग में प्रोसीड करें। कोई भी डाउट हो तो पहले ही क्लियर कर ले। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके हमारी हेल्प ले सकते हैं स्ट्रैटेजी बनाने में, या कोई भी डाउट है उसको क्लियर करने में। काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो काउंसलिंग गाइडेंस भी आप अवेल कर सकते हैं, हमारी अवेलेबल है, हमारी पेड काउंसलिंग गाइडेंस। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स है, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, अच्छा, ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स या स्क्रीन पर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं उन पर आप बेझिझक कॉल करें अपनी क्वेरी के राइट आंसर्स के लिए, राइट स्ट्रैटेजी के लिए कॉल कीजिए। हम आपको असिस्ट करने के लिए एनी टाइम अवेलेबल हैं। और इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।